मुझे ना इसको तड़पाने का अपना मजा आता है, जो इसकी आवाज है ना मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के करम से खुश होंगे। तो सबसे पहले आप कल मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आपने उसको शेयर कर देना है। और यहाँ भी हम बनाने लगे हैं पालक और दही का साग, यानी कि लस्सी वाला साग। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल में मैंने डाला है लहसुन। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैं उसमें डालने लगी हूँ प्याज, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ठीक है जी, इसको अच्छे से करना है ब्राउन। प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गया है। उसके बाद हमने थोड़ी सी पालक, ये सारी मैंने ग्राइंड कर ली हुई है, तो इसके साथ अब ये सारे मसाले जाएंगे। ये है मेथी, ये धनिया पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, उसके बाद ये मुर्गी मसाला है, ये मिर्च है, और उसके साथ है हल्दी, नमक और चाट मसाला। ये सारे मसाले इसके अंदर चाहिए, हमने इसको अच्छे से करना है मिक्स। और ये जो पालक है इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि ये इस तरह जो है वो गलती नहीं है। अब सारी पालक इसके अंदर चली जाएगी। अच्छे से इसको करना है मिक्स, इसको थोड़ा भून के, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे दही। इसको अच्छे से आपने करना है मिक्स, और फिर इसको थोड़ा सा भून के। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दही, जो कि मैंने, मुझे लस्सी में नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं दही जो है वो मैंने खुद बना के घर में रख लिया था। अच्छा जी, फिर वो डाल के आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करके। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ,